हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिरोही में कोरोना का कहर, 7 नए पॉजिटिव मरीज मिले, कुल आंकड़ा 11 पर पहुंचा। जामोतरा में एक ही परिवार में एक महिला समेत 3 सदस्य पॉजिटिव, गांव में कर्फ्यू लगाया। कलेक्टर व एसपी ने लिया गांव में हालात का जायजा। कालेंद्री में 2, दुआ में 1 व आबू रोड में 1 मरीज मिला। एक मरीज आबू रोड का बताया गया है, पर वह असल में है मुंबई का मूल निवासी। सिरोही में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 4 दिन में नया खेड़ा सिरोही, आबू रोड सिटी, डबानी, रेवदत्त व खाकरवाड़ा पिंडवाड़ा में एक एक मरीज मिलने के बाद 5वें दिन सोमवार को 7 और नए पॉजिटिव मरीज मिले। इनके साथ ही अब तक सिरोही जिले में सामने आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 11 पर पहुंच गया है। कालेंद्री में 2 तथा दुआ में 1 मरीज पॉजिटिव होने की सैंपल जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। इन तीनों पॉजिटिव युवकों की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जिला प्रशासन जाँच कर रहा है। इन तमाम 11 कोरोना मरीजों का सिरोही के डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार ये 11 है पॉजिटिव मरीज, पर इनमें कोरोना के अमूमन पाए जाने वाले लक्षण नहीं पाए जाने से इनका सिरोही में ही उपचार किया जा रहा है। जामोतरा में जो 3 मरीज पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, वे एक ही परिवार के बताए गए हैं और इनमें एक महिला भी शामिल है। महिलाओं के लिहाज से देखें तो ये जिले में दूसरी महिला पॉजिटिव मिली है। इससे पूर्व आबू रोड सिटी में भी एक महिला पॉजिटिव मिल चुकी है। तीनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने पर पता चला कि ये तीनों ही अहमदाबाद से गत 2 मई को सिरोही पहुंची उस निजी बस से आए थे, जिसमें नया खेड़ा में मिला पहला पॉजिटिव मरीज आया था। दरअसल उस बस में 63 यात्री सवार थे और अधिकतर जामोतरा बरलूट के यात्री थे। इन तमाम को पहले ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। नया खेड़ा में पहला मरीज मिलने के बाद जामोतरा के यात्रियों के भी सैंपल लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज के लैब भेजे गए थे, जिसमें से 3 की सोमवार को पॉजिटिव रिपोर्ट मिली। जामोतरा गांव में 3 व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसी के चलते वहां धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।